आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि परिजन द्वारा बेटी के वियोग में फांसी लगाने की बात पुलिस को बताई गई है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले कुशाल पानीवाल नामक युवक को गंभीर हालत में MBI अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। मामले में परिजनों का कहना है कि 2 माह पूर्व युवक का तलाक हुआ था। उसकी पत्नी दिव्यांशा नामक बेटी को लेकर अपने साथ चली गई थी। बेटी के जाने के बाद वह परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये बच्चे का 7 अक्टूबर को तलाक करवा दिया था। इसके ससुराल वाले झगड़ालू किस्म के थे, तो आए दिन परेशान करते रहते थे, टॉर्चर करते रहते थे छोरे को। तो उनने मेरे को बोला, बोले आप आपसी सहमति से तलाक देना चाहते हो कि झगड़ा करके? मैंने बोला हाथ जोड़ के, मैं तो राजू किसी से तलाक दे दूंगा। तो फिर उनने जो 7 अक्टूबर को है जो वकील के कोर्ट में जाके ने लिखा पढ़ी करके स्टाम्प पे और आपसी सहमति का तलाक करवा दिया, जिसमें मेरी जो पोती दिव्यांशी उसको भी वो साथ में लेके गई। तो ये मेरा लड़का है जो दिव्यांशी के लिए बोलता था कि बोले मेरी लड़की को भी बेच डालेंगे ये लोग, और इसने फांसी लगा दी। क्या मालूम क्या करा भगवान जाने। दादा कुछ चोट भी लगी हुई है सर में का? मैं तो दुकान पे था, अब बच्चे मेरे दोनों वाले जो घर पे थे, छोटा वाला घर पे गया, मैंने उसको बोला तू रोटी खा के आ जाना वापस, तो ये छोटे वाले ने बोला मैं खुशाल भैया को भेज दूंगा। तो ये ढूंढते हुए ऊपर गया तो वो बता रिया, बोले ये नीचे जमीन पे पड़े हुए थे। अच्छा, तो मेरी घरवाली बताइए कि कितने साल का बेटा था आपका, क्या नाम था उसका? ये 26 साल का जी, खुशाल पालीवाल। और क्या करते थे ये? अभी 1.5 साल से तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरे साथ में पहले दूध बटवाता था। मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि परिजन आत्महत्या की बात कर रहे हैं, मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही खुलकर सामने आएगा। आजाद नगर पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला ये प्रथम दृष्टया एक खुशहाल पालीवाल की मर्ग दर्ज कराया गया है MBI चिंदौर से, और PM कराने के लिए आया हूँ, जिसमें इसके भाई और पिता और चाचा वगैरह कथन लिया, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि ये 26 वर्ष का था और 2015 में इसकी शादी हुई थी, और शादी में इसकी पत्नी का डिवोर्स हो गया है, 4 वर्ष की बेटी थी, जिसमें ये मतलब परेशान था, और अभी मृतक जो है तो फांसी प्रथम दृष्ट पाया गया है, और मृतक के हेड में इंजुरी भी है और खून से लथपथ बनियान थी, और जिसमें मैंने PM में स्पष्ट रूप से उसकी जांच करने के लिए लिखा हूँ। जांच जारी है, जो जांच में आगे आएगा उसमें के विषय में देखा जाएगा।